आज छठ पूजा का त्योहार शुरू हो गया, इसीलिए इस पूजा के बारे में कुछ खास बातें आप जान लें और साथ ही में जानिए इस त्योहार से जुड़ा इतिहास व मान्यताएं। छठ पूजा 4 दिन तक चलेगी, जिसकी शुरुआत बिहार में हो गई है। बिहार के साथ साथ इसे भारत व नेपाल के कुछ अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। यह पूजा सूर्य देव व उनकी पत्नी को समर्पित रहती है। छठ पूजा 3रे दिन सबसे ज्यादा पावन मानी जाती है, जो कि इस साल 2 नवंबर को होगी। चलिए अब जानते हैं छठ पूजा से जुड़ा इतिहास। मान्यताओं के अनुसार वेद और शास्त्रों के लिखे जाने से पहले ही इस पूजा को मनाया जा रहा है, क्योंकि ऋग्वेद में छठ पूजा जैसे ही कुछ रिवाजों का जिक्र है, इसमें सूर्य देव की पूजा का वर्णन है। मान्यताओं में ऋषि मुनि व्रत रख कर सूर्य की उपासना करने के बात भी कही गई है। हालांकि छठ का इतिहास भगवान राम की कथा से जुड़ा हुआ है। लोक कथा के अनुसार सीताराम दोनों ही सूर्य देव की उपासना के लिए उपास करते थे। ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में किया जाता था। ये उन्होंने वनवास से लौटने के बाद किया था। उसी समय से छठ पूजा एक अहम हिंदू त्योहार बन गया। छठ पूजा से जुड़ी मान्यता व पूजन विधि। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य भगवान स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं को ठीक करते हैं और साथ ही सुख समृद्धि भी देते हैं। लोग सूर्य देवता से स्वास्थ्य व समृद्धि के लिए कठिन व्रत व पूजन करते हैं। सूर्य देव की कृपा से घर में धन धान्य का भंडार रहता है। महिलाएं पर्व में छठ मैया की पूजा कर संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा, अच्छी सेहत और जीवन सुख समृद्धि की कामना करती हैं। छठ मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। अगर महिलाएं पूजा के इन 4 दिनों में पूरे नियमों का पालन करती हैं, तो फल अवश्य मिलता है। चलिए पूजा के 4 दिनों का महत्व जानते हैं। पहले दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र बनाए। इसके बाद छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन को ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करें। दूसरे दिन व्रतधारी दिन भर उपवास रख शाम को भोजन करता है। इसे खरना कहा जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध चावल का पिट्ठा और घी से चुपड़ी रोटी बनाए। 3रा दिन संध्या अर्घ का होता है, जिसमें छठ प्रसाद में ठेकुआ और कसार पकवान बनाए जाते हैं। शाम को बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाएं। सूर्य को संध्या अर्घ देने के लिए घाट पर जाया जाता है। 4थे दिन सुबह उगते ही सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती प्रांत सुबह पूजा की सारी सामग्री लेकर घाट पर जाएं और पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है और आखिर में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और प्रसाद खाकर अपना व्रत पूरा करते हैं। छठ पूजा व्रत कठिन माना जाता है, क्योंकि इसके नियम बहुत कड़े होते हैं। इसीलिए महिलाएं अगर ये व्रत रखती हैं, तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा में सफाई का बहुत महत्व है। छठ पूजा का प्रसाद साफ सुथरी जगह पर बनाएं। प्रसाद को गंदे हाथों से न तो छूना चाहिए और न ही बनाना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए चांदी, स्टेनलेस स्टील, ग्लास या प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। छठ पूजा का प्रसाद उस जगह पर नहीं बनाना चाहिए जहाँ खाना बनता हो। पूजा का प्रसाद बांस या मिट्टी के बर्तन में बनाएं और मिट्टी के चूल्हे पर ही पकाएं। छठ व्रतियों को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। व्रत करने वाली महिलाएं फर्श पर चादर बिछा कर सोएं। प्रसाद बनाते समय कुछ खाए ना। प्रसाद बनाते समय व पूजा के दौरान साफ सुथरे कपड़े पहने। छठ पूजा के दौरान सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज के सेवन से दूर रहें। इन्हें घर पर भी ना रखें। बिना हाथ धोए पूजा के सामान को न छुएं। छठ पूजा का प्रसाद जूठा न करने दे जब तक छठ पर्व संपन्न न हो जाए। व्रत रख रहे हैं तो अपशब्द व अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें। अगर आप व्रती हैं तो बिना सूर्य को अर्घ दिए जल या भोजन ग्रहण न करें। छठ व्रत के दौरान घर पर मांसाहार भोजन व मदिरा का सेवन गलती से भी न करें। याद रखें ये जरूरी बातें। व्रती भोजन ग्रहण करने से पहले सूर्य भगवान को भोग लगाते हैं। इस दिन व्रती सिर्फ एक ही बार भोजन ग्रहण करते हैं। व्रती चने की दाल और लौकी शुद्ध घी में सब्जी बनाते और ग्रहण करते हैं। उसमें सेंधा शुद्ध नमक ही डालते हैं। घर के बाकी सदस्य भी यही खाते हैं। घर के बाकी सदस्य व्रती लोगों के बाद ही भोजन खाएं। घर के बाकी सदस्य भी वही खाना खाते हैं जो व्रती खाते हैं।